बहुत से सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं बाय प्रोफेशन एचआर हूं। जिन्हें नहीं पता आज आपको भी पता लग गया होगा। वैसे मैंने आज तक एचआर से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया, बट फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट के बाद एक छोटी सी हेल्प है मेरी तरफ से आपके लिए। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं तो कुछ स्टूडेंट भी। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे अपने सारे काम पेपरलेस करने जा रही है। इसी के चलते उन्होंने बहुत से अच्छे स्टेप भी लिए हैं। नेम करेक्शन DOB करेक्शन करवाने के लिए शायद मुझे ही नहीं बहुत से मेरे भाइयों को EPFO के चक्कर काटने पड़े होंगे। उसी के चलते आप सबको प्रॉब्लम भी हुई होगी, लेकिन EPFO ने इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इसे अब ऑनलाइन कर दिया गया है। मैं आपको आगे प्रोसेस स्टेप टू स्टेप ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, EPFO ने अपनी ब्याज दरें घटा दी हैं, 8.65 से 8.30 कर दी है। वो एक बड़ा झटका हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए। सबसे पहले आपको UN के मेंबर लॉगिन पोर्टल पर जाना है। उसके बाद आपको आपका UN और पासवर्ड डालना है। अगर आपको आपका पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपका पासवर्ड ले सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में आपसे आपका UN मांगा जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जनरेट होगा। उसी की मदद से आप आपका पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। व्यू के पास में एक मैनेज का ऑप्शन है, उसका लास्ट ऑप्शन मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स में आपको जाना है। इसके बाद आपको आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। चेंज रिक्वेस्ट में आप आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं, एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो एम्प्लॉयर के पोर्टल पर जाके ही सॉल्व की जा सकेगी। अब एम्प्लॉयर या HR के प्रोफेशनल्स अपने एम्प्लॉयर पोर्टल में जाएंगे और वहाँ ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ होम के पास मेंबर में सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिटेल चेंज रिक्वेस्ट। जैसे ही आप चेंज रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेंबर की एक मॉडिफिकेशन की डिटेल दिखाई देगी ठीक आपके स्क्रीन पे। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है, आपको रिमार्क डाल के ओके कर देना है और आपके रिस्पेक्टिव EPFO ऑफिस में ये रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद क्लर्क्स अपने लॉगिन ID से लॉगिन करेंगे, वो भी अपने पोर्टल में डिटेल चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उनके सामने एक मॉडिफिकेशन की डिटेल दिखाई देगी जिसमें एम्प्लॉयर ने रिमार्क डाला है। उसके बाद में वो स्टेप लेंगे आगे। मॉडिफिकेशन के प्रोसेस के बाद में क्लर्क के सामने अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा और अप्रूव करके आपकी चेंज रिक्वेस्ट को ओके कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च करी है, उमंग ऐप। इसके ज़रिए आप PF का बैलेंस चेक कर सकते हो और उसे निकाल भी सकते हो, लेकिन ये जब ही होगा जब आपका मोबाइल आधार से लिंक होगा। इसके अलावा भी उमंग ऐप में काफ़ी फीचर्स हैं, जैसे आप पैन कार्ड बनवा सकते हो और आपका जो गैस है, गैस के एजेंसी से वो भी उसके अंदर अटैच होगी। लेकिन ये सब जब ही हो पाएगा जब आपका मोबाइल आपके आधार से लिंक होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं उमंग ऐप में, आप डाउनलोड कीजिए, उसे देखिए ज़रूर। EPFO के नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंबर के पोर्टल पे तो ये सुविधा दे दी है, आप डिटेल करेक्शन की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो, लेकिन एम्प्लॉयर के पोर्टल पे अभी तक ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैंने उनको सेल्फ मेल लिखा है, देखते हैं उसका क्या रिप्लाई आता है। इसके अलावा एक नया नोटिफिकेशन है कि आप UN खुद ही जनरेट कर सकते हो। एम्प्लॉयर पहले करता था, अब आप सेल्फ भी UN जनरेट कर सकते हो। ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।